हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सी एस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डेटा टाइप का प्रोग्राम देखेंगे। सो चलते हैं डायरेक्टली। यू कैन ओपन योर देव सी प्लस प्लस। देव सी प्लस प्लस पे हम लोग क्रिएट करेंगे इसको। सो फर्स्ट हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। सो आप सोर्स फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए और इस फाइल को डायरेक्टली हम लोग सेव कर देते हैं। सो सेव एज, जहाँ भी आपको इसे सेव करना है वहाँ आप सेव कर दीजिए। तो मैं डेटा डॉट सी पी पी से सेव कर देता हूँ। नाउ सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं मैसेज लिख लेता हूँ। सो बिल्ट इन डेटा टाइप हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सो सबसे पहले हैज हेडर फाइल इंक्लूड हैज इंक्लूड, देन यू राइट हियर आईओ स्ट्रीम, देन सेकेंड आप यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस, नाउ मेन फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे इंट मेन। मेन का आपका कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक इंटीजर डेटा टाइप क्रिएट करते हैं। इंटीजर ए इक्वल टू आपको लिखना है, आप कोई भी वैल्यू दे दी। सो ये एक इंटीजर डेटा टाइप है जिसका आपका टाइप रहेगा वो इंट रहेगा। सो सी आउट में हम लोग इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। सी आउट इंटीजर टाइप ए इक्वल टू, देन आप यहां पर प्रिंट कर दीजिए ए को इक्वल टू, डबल कोट आप बंद करें क्योंकि ये मैसेज है आपका। एंड इसके बाद आउटपुट के लिए आपको दो एरो यहां पर देने हैं। एंड इसके बाद आप ए को यहां पर प्रिंट कर देंगे। देन सेमी कॉलन आपने दिया, सेव करेंगे आप इसे और डायरेक्टली आप इसे रन कर देंगे। सो आप रन करेंगे, सो ये एरर आपका कंपाइल किया हमने तो एरर जीरो है, आपकी वार्निंग जीरो है। देन आप इसे रन कर दीजिए तो आपका आ जाएगा इंटीजर टाइप इक्वल टू ए। सो इंटीजर टाइप इसका ये है। अब देखिए इसी में अगर आप स्लैश एन दे देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे आपका जाए। एंड सी आउट में अगर मैं इसमें साइज ऑफ इंटीजर दे दूं, देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं या पर मैसेज दे देते हैं साइज ऑफ इंटीजर। इंटीजर का साइज भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आपके पास प्रीडिफाइंड फंक्शन है इसमें साइज ऑफ ब्रैकेट में आप लिख दीजिए इंट साइज ऑफ इंट, सेव करेंगे आप। देन डायरेक्टली मैं इसको रन कर देता हूं। सॉरी कंपाइल करेंगे पहले आप, अदरवाइज ये डायरेक्ट अगर आप रन करेंगे तो प्रीवियस वाले को ही रन करेगा। आपका कंपाइल करना इंपॉर्टेंट है आपका। रन करेंगे आप, देखिए यहाँ पर साइज ऑफ इंटीजर इसने दे दिया 4 बाइट, बिकॉज इंटीजर कैन बी एक्सेस 4 बाइट, तो ये आपका 4 दे देगा। अगर आप डायरेक्ट रन करेंगे तो ये प्रीवियस जो आपने कंपाइल किया होगा उसी फाइल को ही एक्सेस करेगा। तो प्रीवियस हमने इसे कंपाइल किया, अगर मैं कुछ चेंजेस करूँ डायरेक्ट इसको रन करूंगा तो ये आपका प्रीवियस आउटपुट ही शो करेगा, नया आपका एक्सेस नहीं होगा। तो पहले आपको कंपाइल करना है, इसके बाद आपको रन करना है। सो इंटीजर टाइप आपका हो गया है। नेक्स्ट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट टाइप। सो हम लोग बनाते हैं यहाँ पर फ्लोट। फ्लोट फ्लोट मैंने किया यहाँ पर बी इक्वल टू फ्लोट वैल्यू आप कुछ भी लिखेंगे, 7 मैंने राइट अप कर दिया है। देन आप सी आउट में इसे प्रिंट कर दीजिए। सो फ्लोट टाइप बी इक्वल टू, देन प्रिंट कर देंगे आप बी को। एंड इससे पहले आप जहां पर आपका साइज ऑफ है वहां पर भी आपको स्लैश एन देना है ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे आपका शो हो जाए। सो इससे बाद आप यहां पर स्लैश एन दे, ईच टाइम यू कैन राइट स्लैश एन फॉर नेक्स्ट लाइन, सेव करेंगे आप। देन फिर से आपको कंपाइल करना है, देन आपने इसे रन करना है। सो आपका ये आ गया फ्लोट टाइप इज 334.897। अगर इसका भी अगर आपको टाइप राइट अप करना है तो टाइप आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अभी हम लोग नहीं करते हैं, आप साइज ऑफ डायरेक्ट यहाँ पर फ्लोट कर दीजिएगा, वो आपका साइज यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। सो स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन पे हम लोग नेक्स्ट कंडीशन डबल, डबल को आप डी डबल लिखेंगे। डबल के बाद आप वेरिएबल का नेम इक्वल टू डबल वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड आउट कर दीजिए 34.67 मैंने राइट अप कर दिया है। नाउ सी आउट में मैं इसे भी प्रिंट कर देता हूँ। डबल टाइप डी इक्वल टू, मैं स्लो स्लो इसलिए इसे टाइप कर रहा हूं ताकि आप भी डिजाइन कर सके साथ साथ। सो डी एंड नेक्स्ट लाइन भी हम लोग डायरेक्टली यहां पर राइट अप कर देते हैं स्लैश एन।
सेव कर दीजिए इसको, अगेन आप कंपाइल करेंगे इसको, वार्निंग जीरो है, एरर जीरो है, रन करेंगे तो ये फ्लोट डबल टाइप आपका डी इक्वल टू 34.67 आ गया। अगर आपको इसका टाइप देखना है तो सी आउट में आप जाइए, सी आउट साइज ऑफ डबल इक्वल टू देन साइज ऑफ लिख दीजिए आप ब्रैकेट में, डबल आप लिख देंगे, देन नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग यहाँ पर स्लैश सेंड कर देते हैं ताकि आपका नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। सेव करेंगे आप, अगेन कंपाइल करना है आपने, वार्निंग जीरो है आपकी, रन करेंगे तो साइज ऑफ डबल आपका 8 byte होता है एंड साइज ऑफ इंटीजर 4 byte होता है। तो इसी टाइप से फ्लोट सभी का आप साइज यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटीजर फ्लोट डबल करेक्टर किसी का भी। नेक्स्ट आपको अगर स्ट्रिंग फाइंड राइट अप करना है तो स्ट्रिंग एस इक्वल टू वैल्यू आप यहाँ पर लिख दीजिए स्ट्रिंग में, हेलो मैंने हेलो यहाँ पर राइट अप किया है। नाउ हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन राइट अप करेंगे, इसको भी प्रिंट कर देते हैं, सी आउट आउटपुट प्रिंट कर देते हैं। इसको आप प्रिंट कर दीजिए, सेव करेंगे, देन आप कंपाइल करेंगे इसको, सो एरर जीरो वार्निंग जीरो, रन करेंगे तो ये आपका स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल टू हेलो। सो ये स्ट्रिंग आपका हो गया है। नेक्स्ट आपको करेक्टर वैल्यू अगर एंटर करनी है तो कैर आप लिखेंगे, कैर देन करेक्टर वैल्यू पहले से दिया हुआ है मैंने, के इक्वल टू एक सिंगल करेक्टर सिंगल कोट के अंदर आपको राइट अप करना है जो भी आप लिखेंगे। देखिए स्ट्रिंग और करेक्टर में क्या डिफरेंस, स्ट्रिंग आपका कलेक्शन ऑफ करेक्टर होता है, इसमें बहुत सारे करेक्टर होते हैं, डबल कोट के अंदर आपको राइट अप करना है एंड करेक्टर वैल्यू को आप सिंगल कोट के अंदर राइट अप करेंगे। नाउ आप सी आउट में प्रिंट कर दीजिए, करेक्टर वैल्यू इक्वल टू के को आप प्रिंट कर देंगे, सेव करेंगे आप, अगेन कंपाइल देन रन करेंगे तो ये करेक्टर वैल्यू आपका आ गया ए। सो इस टाइप से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसका साइज भी फाइंड आउट करना है करेक्टर का, देखिए करेक्टर का साइज भी हम लोग ले लेते हैं, स्लैश एन आपने किया देन सी आउट, सी आउट के अंदर डायरेक्ट हम लोग राइट अप करते हैं साइज ऑफ कैर इक्वल टू देन साइज ऑफ ब्रैकेट में आप लिख देंगे कैर, सेव किया आपने देन कंपाइल किया रन किया तो करेक्टर जो साइज लेता है वो 1 byte लेता है, इसलिए इसका 1 आपका रिजल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका डेटा टाइप होता है बुलियन, बुलियन में आप 2 value यहाँ पर राइट अप कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स। सो बुलियन के लिए आपको बूल लिखना पड़ता है, बूल एंड जी इक्वल टू हम लोग दे देते हैं यहाँ पर फॉल्स, अभी मैं प्रिंट करा रहा हूँ फॉल्स, सो फॉल्स आप देंगे। नाउ अब आपको क्या करना है यहाँ पर सी आउट में डायरेक्ट आप प्रिंट कर दीजिए, बुलियन वैल्यू इक्वल टू, नाउ अब आप राइट अप करेंगे यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए इसको, जी आपने प्रिंट कर दिया, सेव करेंगे आप, कंपाइल करेंगे फिर से एंड 0 0 रन करेंगे आप तो ये बुलियन वैल्यू है 0 0 आपको दे रहा है क्योंकि फॉल्स आपने लिखा है। अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो वो आपका रिटर्न कर देगा 1, सो इसमें 1 और 0 आपका रिटर्न करता है, ट्रू किया आपने, सेव करेंगे आप, अगेन कंपाइल करेंगे आप, रन करेंगे इसको तो ये आपका क्या आ जाएगा 1। सो इस टाइप से आप डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, इट्स अ इनबिल्ट डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस। सो ये आपके डेटा टाइप थे, थैंक यू फ्रेंड।